हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं सो के उठ गई थी 4:30 बजे। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, तो सबसे पहले बाहर का काम करेंगे। और मम्मी पापा तो है नहीं, तो आज गाय भैंसों का काम मुझे करना पड़ेगा। चारा डाल दिया है अनुज ने, तो मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे, तो वैसे तो मैंने रिप्लाई दे दिया था। वीडियो भी मैंने डिलीट कर दी थी और एक पोस्ट डाली थी वो भी डिलीट कर दी थी। तो उस बात को मैं अब रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, हद से ज़्यादा बुरा हुआ। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो वैसे तो हर न्यूज़ चैनल पर आ गई, आप लोग न्यूज़ पर देख लेना। और तो मम्मी पापा वहीं पर गए हैं, तो चलिए अब गाय का दूध निकालेंगे। झाड़ू तो अम्मा ने लगा दिया है और गोबर भी मैंने भर दिया है, तो अब गाय का दूध निकाल लेते हैं। और 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। सिर में दर्द तो बंद ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा 2 दिन से। तो देखिए रात में बारिश होती रही तो ये पानी भर गया था यहाँ पे। तो चलिए अब दूध निकाल लेते हैं जल्दी से। तो गाय का दूध तो मैंने निकाल लिया है और रुचि ने कमरों में झाड़ू लगा दिया है। तो चलिए अब हम बाहर झाड़ू लगा देंगे, तब तक वो आंगन में लगा देगी और मम्मी पापा भी आज आ जाएंगे। तो झाड़ू तो लग चुका है पूरे घर में और चूल्हा मैंने जला दिया। पतीली में ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया। साग बनाएंगे चने का। तो देखिए ये रखा है दही, तो लाइट आ गई है तो मशीन लगा के रख देंगे, फिर बाद में मक्खन निकाल लेंगे। तो पानी गर्म हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मम्मी आ गई थी तो मम्मी के पास बैठ गए थे, तब तक पानी भी गर्म हो गया। तो मैंने नमक भी डाल दिया इसमें और ये मैंने साग डाल दिया जो सुखा के रख देते हैं, तो वही वाला साग है, इसी सक्सा बोलते हैं। तो देखिए साग मैंने डाल दिया है और कच्चे आम भी मैंने काट के रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मम्मी के पास बैठ गए थे। तो इसे चला के रख देंगे और पकाएँगे। तो देखिए मम्मी निकाल रही हैं मक्खन, मैंने मशीन लगा के रख दी थी। तो साग थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें डाल देंगे आम जो मैंने काट के रखे थे
और इसमें चने की दाल और डाली जाती है, तो मुझे याद नहीं रहा तो मैंने नहीं डाली थी, और फिर बाद में मम्मी को भी नहीं याद रहा तो मम्मी ने भी नहीं डाली। वैसे ऐसे भी अच्छा बन जाता है, तो ये मैंने डाल दी। तो अब इसमें आलन लगेगा, वो मम्मी लगा देंगी। हम चलेंगे खेत पे घूमने, और तड़का लगेगा तो मैंने हरी मिर्च काट के रख दी, तो मम्मी तड़का लगा देंगी। तो देखिए हम आ गए हैं खेतों पे, और अभी हैं रोड पे। आरजू है साथ में, और रुचि है, और अभी है, और साहिल है, तो हम सब लोग आए थे। तो मैं तोड़ रही हूँ अभी दातून। अभी को दतौन करबो तो आए नहीं रही, देखो पहल चबाओ। हाय बोलो सब लोग, बोलो सीधो करा, सीधो बिल्कुल सीधो, अब सीधी चल सही से। साइल गिरी थी छत पे थे, तो हाथ में चोट आती है पैर में, तब से जहाँ टेढ़ो कर ले, टेढ़ो ना कर, बिल्कुल सीधी चलो करा, ठीक है। बची ही तुम ऐसे करी जात करे आते बेलो आप तरह से। कोई जल्दी भाग ले, भाग भाग अभी जल्दी जल्दी, तब दोनों लोग ये ले भू मटियो। तो देखिए आ गए हैं घर पे, और मम्मी बना रही हैं रोटी। तो देखिए साग भी बन चुका है, और रोटी भी बन चुकी है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना तो सब लोगों ने खा लिया है, अब बर्तन साफ़ करेंगे। और बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, अब तो बंद हो गई। एक तो ये बारिश रोज़ रोज़ होने लगती है, तो चलिए अब बर्तन साफ कर लेते हैं। तो देखिए ये नीम का पेड़ सूख गया था, इसलिए इसे कटवा दिया। और अब ये लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के रख रहे हैं, तो छत पर रख देंगे। तो देखिए शाम का टाइम है, और धूप भी निकल आई है, बारिश भी होती रही सुबह, तो अब सब तोड़ तोड़ के छत पर रखेंगे। कैमरा नहीं लगे, तो अभी बजने वाले हैं शाम के 6, और हम लोग आए थे खेत पे, देखिए रुचि और हम और अनुज। तो देखिए ये जुनरी का गठा बंधा रखा है, तो ये घर पे ले जाए, सुबह के लिए काट दिया। और आज तो पूरा दिन हो गया काम में लगे रहे, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो अभी हम लोग चले आए थे खेत पे घूमने, और काम भी था इसलिए। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, आईडी का नाम है शोभा यादव 123, शोभा यादव 123, तो सभी लोग फॉलो कर लेना वहाँ पे भी मुझे। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।